मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाल विवाह और दहेज कुप्रथा के खिलाफ सभी लोगों को संकल्प लेना चाहिए। दहेज मुक्त शादियों, सामूहिक विवाह कार्यक्रमों से जुड़कर हम सभी दहेज कुप्रथा व इससे जुड़ी अन्य कुरीतियों के समाधान में अपना योगदान दे सकते हैं। सीएम योगी सोमवार को चंपा देवी पार्क मैदान में 1000 से अधिक जोड़ों के सामूहिक विवाह समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामूहिक विवाह जैसे आयोजनों से बाल विवाह और दहेज जैसी कुप्रथाओं पर अंकुश लगता है। जिन लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, उनके घर में कन्याओं की शादी बड़ी समस्या थी। कई कन्याएं कुंवारी रह जाती थी। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की भाजपा सरकार बनी तो इस समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना शुरू की गई। इसके तहत प्रति जोड़े की शादी हेतु पहले 31,000 और फिर बढ़ाकर 51,000 रुपए की धनराशि तय की गई। प्रदेश में अब तक करीब 2,00,000 शादियां इस योजना के अंतर्गत संपन्न हो चुकी हैं। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता, पारदर्शिता और ईमानदारी से काम कर रही है। समाज के हर के को बिना भेदभाव शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। पीएम मोदी ने 2014 में सबका साथ सबका विकास का जो मंत्र दिया था, वह आज प्रदेश में मूर्त रूप में नजर आता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के 1 करोड़ परिवारों को प्रति माह 1,000 रुपए की दर से वृद्धा, निराश्रित, दिव्यांग पेंशन का लाभ मिल रहा है। 15 करोड़ लोगों को कोरोना काल से मुफ्त राशन की सुविधा मिल रही है। सीएम योगी ने कहा कि किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने निजी संसाधन से अपनी बिटिया की शादी का आयोजन किए जाने पर उनका व मंच पर मौजूद सांसदों, विधायकों का शामिल हो पाना मुश्किल होता, पर सामूहिक विवाह के इस भव्य कार्यक्रम में वह स्वयं आए हैं। सांसद, विधायक, महापौर भी मौजूद हैं। इससे वैवाहिक सूत्र बंधन में बंध रहे जोड़ों के परिजन तो गर्व की अनुभूति कर ही रहे होंगे। वह खुद और सांसद विधायक भी यहां आकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने नवयुगलों को श्री राम जानकी के विवाह की पावन स्मृतियों से भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि आज विवाह पंचमी है। इसी तिथि पर भगवान श्री राम और माता जानकी का विवाह संपन्न हुआ था। आज की तिथि में यह कार्यक्रम होने से हम सभी हजारों वर्ष पहले श्री राम जानकी विवाह की पावन स्मृतियों से भी जुड़ रहे हैं। यह खुशनुमा और सौभाग्यशाली माहौल है। समाज कल्याण विभाग की तरफ से आयोजित इस समारोह में 1,000 से अधिक जोड़े विवाह के पावन बंधन में बंधे। 9 युगलों में हिंदू मुस्लिम दोनों शामिल रहे। मुख्यमंत्री ने सभी 9 दंपतियों को आशीर्वाद देते हुए मुख्यमंत्री ने उनके सुखमय जीवन की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने मंच से 14 नवयुगलों को प्रमाण पत्र और उपहार किट भेंट किया। इसमें अल्पसंख्यक जोड़े भी शामिल रहे। प्रमाण पत्र देने के दौरान मुख्यमंत्री ने जोड़ों से आत्मीय संवाद भी किया। सामूहिक विवाह समारोह में सांसद रवि किशन शुक्ल ने कहा कि डबल इंजन की सरकार जन कल्याणकारी कार्यों की नजीर पेश कर रही है। सामूहिक विवाह कार्यक्रम इसी का हिस्सा है। हर धर्म बिरादरी के गरीबों की बेटियों की धूमधाम से शादी कराने के साथ सरकार उन्हें गृहस्थी बसाने का सामान भी दे रही है। इस अवसर पर बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान, महापौर सीताराम जायसवाल, विधायक फतेह बहादुर सिंह, राजेश त्रिपाठी, विपिन सिंह, प्रदीप शुक्ल, महेंद्र पाल सिंह, श्रीराम चौहान, डॉक्टर विमलेश पासवान, भाजपा के जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन, एडीजी जोन अखिल कुमार, मंडल आयुक्त रवि कुमार एनजी, डीआईजी जे रविंद्र गौड़, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, एसपी श्री कृष्ण कुमार विश्नोई सहित प्रशासन, पुलिस, समाज कल्याण आदि विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदस्य सांसद रवि कृष्ण शुक्ल ने कहा, अगर आप एक बेटी के बाप हैं, एक बहन के बाप, मैं विशेष निवेदन करता हूं कि गाड़ी आप लोग हटा लीजिए। नहीं हटाएंगे तो गाड़ी के साथ योजना निदेशक है और आदरणीय श्री राजमणि वर्मा जी जो जिला भिलीगढ़, मैं सभी का एक बार सम्मान करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ज्यादा व्हाट्सएप पर आप सक्रिय रहते हैं लोगों के लिए, तब इतना बड़ा परिणाम आपके साथ। गोरखपुर पीठाधीश्वर कुछ योगी आदित्यनाथ जी महाराज आपको आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित होंगे। माननीय विधायक पिपराई श्री महेंद्र, मंच पर उपस्थित माननीय खजनी श्री श्री राम चौक में डॉक्टर विमलेश पासवान जी उपस्थित हो चुके हैं। माननीय विधायक महोदय का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। इस शुभ कार्यक्रम में 11 आज 1,000 जोड़ों को अपना आशीर्वाद हम मंच पर करते हैं। और 10,000 रुपए का सामान है और 6,000 रुपए खर्चे पर है। टोटल
51,000 रुपए हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी मंच पर आ चुके हैं। आज के इस कार्यक्रम में अपने उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। सनातन और वैदिक संस्कृति के संवाहक नैतिक मूल्यों को मंच पर उपस्थित समाज के कल्याण के लिए अनवरत संकल्पित उद्यमी महोदय एवं व्यक्तित्व की वंदनीय काया जो तकनीकी और विकास की श्रृंखला के साथ साथ भारतीय संस्कृति की गौरवशाली व्यवस्था पर है, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करने के लिए हम सर्वप्रथम माननीय सांसद दल से अनुरोध करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम साफा पहना करके आप अपने स्तर कमलों से संरक्षक के रूप में मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को लोकप्रिय सांसद गण की उपस्थिति में उनके कर कमलों से साफा पहना करके वर वधु के अभिभावक एवं संरक्षक के हो रहे इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में हमारे इन नौ वधुओं को आशीर्वाद देते हुए स्वागत को उद्बोधन दें माननीय सांसद महोदय से अनुरोध। पूज्य महाराज जी, आपके चरणों में महाराज जी वंदन अभिनंदन, जितना कहा उतना कम था। महाराज जी, हमने सब गरीबी से आए रही तो हमने के मालूम बाकी ना पैसा रह गया करे खातिर हमारे बिया तो मत पूछा, चार लोग रहना हमारे बिया है। आज देखा थे यार हजारों हजारों लोग पूज्य महाराज जी स्वयं बाड़ा, ना हमारे बाबू के लगे पैसा रहा ना हमारे ससुराल वालों लोग। महाराज जी वो एक अलग कहानी बात, क्योंकि समय आपके भी जाएगा बा प्रचार में उनके समय ना दे माननीय सांसद कमलेश पासवान जी बांसगांव, श्री सीताराम जायसवाल जी महापौर गोरखपुर, माननीय फतेह बहादुर सिंह जी विधायक अकबेरगंज, विपिन सिंह जी विधायक गोरखपुर ग्रामीण, महेंद्र पाल सिंह विधायक पिपराय जी, राजेश त्रिपाठी जी विधायक चेलूपाल, डॉक्टर विमलेश पासवान जी माननीय विधायक बांसगांव, श्री राम चौहान जी विधायक रजनी, श्री प्रदीप शुक्ला जी माननीय विधायक सजनवा, श्री युधिष्ठिर सिंह जी जिला अध्यक्ष भाजपा गोरखपुर, श्री राजेश गुप्ता जी माननीय महानगर अध्यक्ष भाजपा, और कालीबाड़ी जी के बाबा जी के प्रणाम होकर। तो भैया वो आज सब जितना भी बिहार जी लोगों का होता अनगिनत जिले से सब लोग आए बड़ा, और आज पूरा देश देख रहा है कि 1000 जोड़ों का आज यहाँ शादी होगा। पूज्य महाराज जी की ये सरकार, ये डबल इंजन सरकार एक ऐसा नजीर पेश कर रही है कि आज यहां हर धर्म के लोग की शादी हो रही है, आज यहां हर बिरादरी के लोगों की शादी हो रही है। और ऐसे गरीब लोग, ऐसे माता पिता हमारे पास भी आते हैं सांसद के रूप में कि हमारे पहले ही के मेरी बेटी की शादी के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास दहेज के पैसे नहीं है, मेरे पास संसार, मेरा घर संसार कैसे बचेगा वो पैसे नहीं। तो आज ये सारे लोग दिल से आप लोगों के हम शुभकामना दें, एक बहुत बड़ा दिन होता है, एक संसार बसता है, आप लोगों का घर गृहस्थी कहा जा रहा ना, हमारा ब्याह हो जाएगा, हमारी बेटी का ब्याह, हम तीन बेटी के पिता हैं। और एक पिता के रूप में हमको आज लगा था कि वो बेटी का जब ब्याह होगा उससे सुंदर कुछ नहीं होता एक माता पिता के लिए, वो अपने जीवन में चले जाती है, अपने दूसरी गृहस्थ में चली जाती है। आज वो दिन हो रहा है, तो राज्य सरकार और ये पावन धरती गुरु गोरक्षनाथ की गोरखपुर में हो रहा है, 1000 जोड़ों की शादी हो रही है, करीबन 5,10,00,000 रुपए का जो खर्च, 5,10,00,000 रुपए का खर्च हो रहा है, उकरा में जोन जोन आज सब लोगों के सामान मिला था, उस सामानों जान ला हो, एक एक लोगन के मिला था हो, साड़ी कढ़ाई मैरून कलर का मिली है, डेली यूज का साड़ी पेटी को चुनरी मैरून कढ़ाई मिली, कुर्ता पैजामा मिली दुल्हा के, पगड़ी भावर हेतु फोटा तथा पारा चांदी की पायल बिछिया मिली, हाकिंग स्कूकर मिली, लीटर लोटा स्टील थाली स्टोरी, पूरा एगो घर का सामान, ना कि सिर्फ आपका सामूहिक विवाह हो रहा है। पूज्य महाराज जी की आप लोग अपन घर गृहस्थी काल घोड़े से आप लोग सजा सकते हैं, एक पिता का आपका एक बोझा हल्का हो जाता है। आज जो सारा एक अभिभावक के रूप में, एक एक मुख्यमंत्री के रूप में, एक संत के रूप में जो कर रहे हैं महाराज जी, रोज एक तोहफा, रोज एक नजीर पेश कर रहे हैं। आज हम सब लोग महाराज जी ऋणी हैं, जैसे कि हमारे माननीय विधायक जी ने कहा था चिल्लूपाल की, आज
आप लोगों के बिहार में स्वयं पूज्य महाराज जी हमी के बिहार में केहू नहीं आए हमारे बिहार में केहू नहीं रहे लगाई कि उस टाइम मेरा नाम नहीं था पैसा नहीं था आज बिहार में शादी पूरा सांसद विधायक ने पूरा देखा दर्जनों यहाँ बैठे आज हम थोड़े भावुक भी हैं बहुत सारी चीज से 20 साल से हमारा सपना था महाराज जी ने जिसको आशीर्वाद दिया है तो बस हम इतना का धन्यवाद और जितना आए हैं सब लोग बियास शादी में सब लोग दोनों हाथ सब लोगों का उठा दो सब लोग दोनों हाथ उठा के बोलो बियास के समय सब लोग हाथ उठा के बोलो नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव बियाह होता हो महादेव का नाम खुशी से लीजिए दिल से जोड़ दो बोलो नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव आप लोग का बियाह बड़ा अच्छे से हो प्रसन्न रहे बाल बच्चा हो खुशहाली रहे आप लोगों के जीवन में भारत माता की जय गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय और दिल से हमारे महाराज जी के आभार दिल से महाराज जी हम लोग धन्य है आपको पाके उत्तर प्रदेश की धरती धन्य है आपको पाकर महाराज जी रजनीश जी को और आप सभी तालियों के साथ इस क्षण को अभिभूत करें नव वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं मुख्यमंत्री महोदय है इसके पश्चात सुनीता जी वधु सुनीता मुख्यमंत्री महोदय के साथ यह शुभ क्षण कि अपने नव वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने के पूर्व माननीय मुख्यमंत्री महोदय का संरक्षण प्राप्त करते हुए उपहार एवं अपने वर श्री विजय जी इसके पश्चात एक उपहार यह सौभाग्य का क्षण है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से उपहार मंच पर प्राप्त कर रहे हैं अपने श्री प्रवीण जी को कि आप मंच पर आए इसके पश्चात हम आमंत्रित करेंगे वधू और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपने स्वर्ण जीवन के लिए उपहार को प्राप्त करते हुए अपने विवाह का सर्टिफिकेट प्राप्त करें इसके पश्चात सीम अपने विवाह का सर्टिफिकेट प्राप्त करते हुए जल पर गुरु इस विवाह पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से उपहार को प्राप्त करते हुए हम आमंत्रित करेंगे धर्मेंद्र जी को अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से उपहार को प्राप्त करें पीछे जाओ पीछे जाओ अनिशा जी को ये आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए इसी क्रम में मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपने विवाह का प्रमाण पत्र एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा उनके वरदहस्त के रूप में जी एवं वर अनिल कुमार जी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों में से वर अनिल कुमार एवं प्रेमलता जी एवं वर मोहम्मद कलीमुल्ला जी अपने निकाह के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से उपहार प्राप्त करने के देखो सादर धन्यवाद देते हुए हम आमंत्रित करेंगे अफ्रीका अरुण जी एवं राशिद जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से इसके पश्चात आप बोलिए आज तो बड़ी खुशी का दिन है भारत माता की भारत माता की भारत माता की आज विवाह पंचमी भी है भगवान श्री राम और माता जानकी का विवाह आज ही के दिन हुआ था और आज गोरखपुर में 1000 से अधिक जोड़ों को विवाह बंधन से जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है इस अवसर पर आप सभी को मैं हृदय से प्रदेश सरकार की ओर से बधाई देता हूं आप सबका जीवन सुखमय हो खुशहाल हो इसकी अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं मंच पर उपस्थित गोरखपुर के सांसद श्री रविकिशन जी बांसगांव से सांसद श्री कमलेश पासवान जी
महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, कैंपियरगंज से विधायक श्री फतेह बहादुर सिंह जी, गोरखपुर ग्रामीण से विधायक श्री विपिन सिंह जी, पिपराई से विधायक श्री महेंद्रपाल सिंह जी, चिल्लूपाल से विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी, बांसगांव से विधायक डॉक्टर विदेश पासवान जी, खसनी से विधायक श्री श्रीराम चौहान जी, सैजनवा से विधायक श्री प्रदीप शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री विश्वजीत सिंह जी, आज के इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के वे सभी परिवार के सदस्यगण, जिनके परिवार और बालक और बालिकाएं आज यहाँ पर वैवाहिक बंधन से जुड़ रही हैं, आप सभी को मैं विवाह पंचमी के अवसर पर, इस पावन आयोजन के अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। हम सब जानते हैं कि 2017 में जब प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनी, तब हम लोगों ने उस समय गरीब कन्याओं की शादी को, बहुत सारी कन्याएं ऐसी थी जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे पैसा खर्च करके और दहेज आदि जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ लड़ सके। बहुत सारी बालिकाएं कुंवारी रह जाती थी। उस समय जब एक बात मेरे सामने आई, तब मैंने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का एक कार्यक्रम प्रारंभ किया था। पहले 31,000 रुपया और बाद में इस राशि को बढ़ाकर के 51,000 रुपया करके एक एक बालिका की शादी के लिए इस कार्यक्रम के साथ उसको जोड़ने का कार्यक्रम किया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक प्रदेश में लगभग 2,00,000 बालिकाओं की शादी इस सामूहिक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत संपन्न हो चुकी है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि गोरखपुर में ही विवाह पंचमी के इस पावन पर्व पर 1,000 से अधिक बालक और बालिकाएं वैवाहिक बंधन से जुड़ रही हैं। समाज के प्रत्येक तबके के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। आप सब जानते हैं प्रदेश में वर्तमान में हम लोग प्रदेश के 1 करोड़ ऐसे परिवार हैं जिन्हें हम वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन के माध्यम से 1,000 रुपए प्रतिमाह यानी 12,000 रुपए सालाना हम प्रदेश और केंद्र की दोनों डबल इंजन की सरकारें उन परिवारों को देकर के उनका संबल बनने का कार्य करती है। प्रदेश के अंदर 15 करोड़ गरीबों को कोरोना कालखंड में फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया। आज भाइयों बहनों, आपने देखा होगा विकास तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास हो रहा है। समाज कल्याण विभाग के माध्यम से लगातार प्रयास हो रहा है कि समाज के प्रत्येक तबके को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके। आपने भी देखा है मंच पर जो बालक बालिकाएं, मेरी तो हार्दिक इच्छा थी आप सबके बीच में आने की, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है, आप लोगों के कार्यक्रम वहां कर्मकांड के सभी संपन्न हो रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ जोड़े मंच पर ही आए थे और मैं देख रहा था हर जाति, हर मत, हर मजहब से जुड़े हुए लोग उसमें थे। ये समाज में बिना किसी भेदभाव के शासन की योजना का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को प्राप्त हो, सरकार बिना किसी भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ सबको देगी, भेदभाव किसी के साथ नहीं करेगी। और आज उसी मनसा के अनुरूप जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में कहा था, सबका साथ और सबके विकास का, उसका एक मूर्त रूप इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम आज यहाँ पर संपन्न करना है, मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है।
कि परिवार के लोग यहाँ बड़े धूमधाम के साथ हर्ष और उमंग के साथ इस पावन तिथि पे एकत्र होकर के इतने बड़े आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं। और मुझे लगता है बालक और बालिकाएं और परिवार के लोग अपने को इस बारे में गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं कि अगर आपके पास संसाधन होते, हो सकता है कि आप अपने परिवार के नातेदार रिश्तेदार के साथ घर में शादी का कार्यक्रम कर पाते, लेकिन तब मैं या मंच से जुड़े हुए लोग आपके कार्यक्रम में भागीदार हो सकता है नहीं बन पाते, क्योंकि कठिन होता है एक एक घर में जा पाना, एक एक व्यक्ति के साथ वहां पर संवाद बनाना इस प्रत्येक व्यक्ति के लिए कठिन हो जाता है। लेकिन आज ये हम सबके लिए गौरव की बात है, इतने बड़े आयोजन के साथ आपका एक विवाह का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। अभिभावक और परिवार के सदस्यों को भी इसमें खुशहाली होगी कि मैं स्वयं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर हमारे सभी सांसद और विधायक बन आए हैं, महापौर जी आए हैं, सभी लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, सबकी शुभेच्छा आपके साथ में है। और आप जो संकल्प आज यहाँ पर लेंगे, न केवल अपने वैवाहिक जीवन का, बल्कि हम बाल विवाह को नहीं होने देंगे, हम दहेज मुक्त वैवाहिक कार्यक्रम को ही प्रश्रय देंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे, दहेज जैसी कुप्रथा का हम समाधान करेंगे, उसका पूरी तरह समाधान करने के समय अग्रसर होंगे। और समाज में अगर कहीं कोई कुप्रथा है, समाज में अगर कहीं कोई विकृति है, उसे दूर करने में सभी लोग अपना योगदान देंगे, इस विश्वास के साथ आज के इस अवसर पर 1000 से अधिक जिन जोड़ों का आज यहाँ पर वैवाहिक बंधन के साथ जुड़ने का उन्हें अवसर प्राप्त हो रहा है, उन सभी को मैं फिर से अपनी ओर से हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। आज आप सबका वैवाहिक बंधन का एक कार्यक्रम हजारों वर्ष पहले भगवान श्री राम और माता सीता के वैवाहिक जीवन के साथ जुड़ी हुई स्मृतियों को ताजा कर देता है। और मैं एक बार फिर से आपको बधाई देता हूँ, आज कालीबाड़ी के बाबा यहाँ आए हैं, मैं उनसे कहूंगा कि वे स्वयं यहाँ पर रह करके सभी जोड़ों को यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए वहां जाएंगे और उन लोगों के साथ जोड़कर उन लोगों को आशीर्वाद दे करके और यहीं पे आज दोपहर का भोजन उनके साथ में वे यहीं पे पाएंगे, यही रहेंगे, यही भोजन पाएंगे, उनके साथ में उनके शिष्य फतेह बहादुर सिंह जी रहेंगे, रवि किशन जी अगर रहना चाहेंगे तो वे भी उनके साथ रह सकते हैं, नहीं तो सीताराम जी उनके साथ में रहेंगे, तो ये सभी लोग यहाँ रहेंगे, पुष्पतम जैन जी भी यहाँ पर है, ये सभी लोग रहेंगे, कितना खुशनुमा माहौल है आप लोगों के लिए और सौभाग्यशाली माहौल है, इसलिए आप सब मेरे साथ बोलेंगे, बोले सियाराम की, बोले सीताराम की, हर हर महादेव। यार मतलब 1000 जोड़ों के इस विवाह कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय संरक्षण उनके भावी जीवन में कुछ यूं ही प्राप्त हो गया कि पीएसीए जानी निहारी मणि मुद्रे मजबूत उतारी माता पिता सबके तुल्य उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय आकांक्षाओं को सदैव पूरित करने के लिए तत्पर रहने वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सानिध्य में माननीय सांसद हमारे लोकसभा सांसद सदन माननीय सांसद बांसगांव एवं समस्त मान्य जनप्रतिनिधि को एक बार महोदय आप सब के बीच में जा रहे हैं अपने आप शुभाशीष प्रदान करने के लिए। पैसा पकड़ो कन्या के माता पिता प्रसाद ले ले अपना कन्या के प्रोदम शांति 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 तेरी अक्षत को अक्षत में मिला ले, फिर कन्या के माता पिता हाथ में अक्षत में और अपनी कन्या का हाथ रख ले हाथ में। श्री बंसीधर जायसवाल जी, राधेमोहन श्रीवास्तव जी और विधायक प्रतिनिधि डॉक्टर विमलेश पासवान जी, ये सभी लोग श्री प्रवीण शास्त्री जी जो हमारे गोरखपीठ के आचार्य जी हैं, ये लोग गणेश हरि ओम मा अग्निं दोतम् वरोदधे हव्यबाहुमुपब्रुवे
देवान आशा दया दिह। जब स्वाहा बोला जाएगा महे निधि निधि प्रति घुम हवा महे पशु मम आह मजानि गर्वधमा तम जासी गर्वधम्मा ओम अम्बे अम्बिके यम बालिगन्मा इदं प्रजापते नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः। ओम अग्नये स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः। ओम भू स्वाहा ओम तन्नो अग्रय वरस्य विद्वान् देवसेण अरिष्मादि शिष्टाः वसिष्ठो वनितो वरुणराणो यहि विनिदाता भातो गन्धर्वसैदं ब्रह्मचत्रं पातु तस्मै स्वाहा। यज्ञो गन्धर्व तस्य दशदा अभ्रष्टा भवानदाभ्य स्वाहा। ये बहुत बड़ा तोहफा भाई समस्त धर्म के लोग सर्व धर्म लोगों के का चल रहा है। तो ये महाराज जी कई सोच बा आज और कितने गरीबों का आज कल्याण हो रहा है। बहुत बड़ा आज ही बहुत बड़ा दिन दू तोहफा मिल गई। आज एगो सामूहिक विवाह होता है एगो फिल्म सिटी का तोहफा मिल गई। आज महाराज जी ने इतना खुश किया हम मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आज यहाँ पर ये गरीबों का कल्याण हो रहा है। ये वो गरीब बेटी और बच्चा लोग हैं, ये लोग के पास पैसा नहीं था माता पिता के पास। आज एक ही छत के नीचे और हर धर्म के आज यहाँ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, अगड़ा भी है, पिछड़ा भी है, हर बिरादर है यहाँ पे। तो ये सबसे बड़ा आज एक संदेशा पूरे भारत में जा रहा है, सामूहिक विवाह और रीजनल फिल्म सिटी, भोजपुरी फिल्म सिटी जो 100 एकड़ में बनने जा रही है। तो महाराज जी ने आज बहुत ये भव्य काम किया, बहुत बड़ी। आज लाखों लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा फिल्म सिटी से। अनगिनत कारीगर, अनगिनत रवि किशन पैदा हो गया। हम तो दर दर ठोकर खाएं, अब लोग ठोकर नहीं खाएंगे। अब अपने माई बाप बिहार यूपी के लोग जो बंबई में रहते हैं सब आएंगे। और महाराज जी सबसे बड़ा तोहफा ये दे रहे हैं कि सस्ते दामों पर उनको मकान भी मिलेगा, उनको रहने के लिए यहाँ बसाएंगे भी, यहाँ काम करिए, यहीं कमाइए खाइए। ये बहुत ऐतिहासिक है, ये बहुत ऐतिहासिक है। ये मतलब कि कौन देता है, गरीब का कौन ध्यान देता है। आज 1000 जोड़ा मतलब सोच रहे हैं आप, और 1 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख रुपया एक पर खर्च होगा। और ये सब डबल इंजन की सरकार, पूज्य महाराज जी, ये उनकी सोच है, भारतीय जनता पार्टी की यही सोच के वजह से आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है।